हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3 के 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में 7 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड एक्स इफ 1 + x = 3 + x = 6 + x। ये हमारे पास क्या है, तीन रेशियोज गिवन है। इन तीन रेशियोज के बेसिस पर हमको क्या करनी है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपको तीन नंबर दिया है, तो अगर आपको प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले तो लिखना गिवन दैट रेशियो, जो रेशियो गिवन है उसको लिखना। तो गिवन दैट रेशियो 1 + x = क्या है, देखो 1 + x, 3 + x, 6 + x, 3 + x = 6 + x। अब अगर इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + x = 3 + x। अब आपको पता है कि तीन नंबर अगर प्रपोर्शन में है, मतलब रेशियो में है, और अगर उसको प्रपोर्शन में लिखना है तो बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं, दो बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बीच वाले को जो है दो बार ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे देखो, इसको अगर जो रेशियो में दिया है इसको अगर हम लोग डिविजन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 + x, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा 6 + x, देन 3 + x और यहाँ आ जाएगा 3 + x। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6 × 1 = 6 + x, 6 × 1 = 6 x, और ये हो जाएगा x × x, x² हो जाएगा। फिर 3×3 सर कितना हो जाएगा 9, 3 × x हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x². देखो दोनों साइड x² x² है, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इधर हमारे पास कितना बचेगा, देखो 6 + 1 हो जाएगा, इधर आएगा 7x, और यहाँ हमारे पास कितना है 9, और 3×3 सर कितना हो जाएगा 7x जो है हो जाएगा, सॉरी 6x होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6x। अब क्या करते हैं, इस 6x को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 7x, और x को एक साइड रखते हैं, बिना x वाले को इधर रखते हैं। तो 7x में से जब 6x जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x, 9 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आंसर है 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर्स हैं जो कि किस रेशियो में है, 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, अगर हम लोग क्या करते हैं दोनों रेशियो से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नया रेशियो बनता है वो कितना का बनता है, 12:23। फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो हमको फर्स्ट नंबर जो है क्या करना है, बताना है कि वो फर्स्ट नंबर जो है क्या होगा। तो देखो अब आपको दो नंबर दिया तो है कि रेशियो में है कितना, 3:5। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखो क्या दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यू रेशियो इज 12:23, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो यहां पर हमको दो नंबर नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, और इनका जो रेशियो है x into y वो कितना है, 3:5। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि x अपॉन में y इज इक्वल टू कितना है, 3/5। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये कितना आएगा, 3/5 × y, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, आगे काम आएगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर से जो रेशियो है ना x और y, उसमें से अगर हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नया रेशियो कितना का हो जाता है, 12/23 का हो जाता है। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x − 9 × 23 = 12 × y − 9। फिर यहाँ पर जब 12×3 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 23 × x, और 23 × 9 हो जाएगा 207, और यहाँ फिर आएगा 12y, और ये हो जाएगा 108, 12×9=108। फिर आप इसके बाद एक काम ये करो कि ये जो 23 है इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो x है इस x के प्लेस में ये वाली वैल्यू को रख दो 3/5 × y, और y वाले टर्म को इधर ले आओ, और ये जो प्लस वाला जो टर्म है
माइनस 108 और ये माइनस 207 इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 69y अपॉन में 5 माइनस 12y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर है, यहाँ आएगा 99 जो है आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये हो जाएगा 69 माइनस यहाँ 69y माइनस 60y एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 99। अब इसके बाद देखो आगे क्या आएगा, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 69 में से 60 जाएगा तो बचेगा 9y और यहाँ आ जाएगा 99 इंटू 5 91 और ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 55। तो अगर आपके पास दो साइड है ना तो ऐसे आप नंबर को कैंसिल कर सकते हो, या अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ये देखो जो 9, ये जो 9 है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा इस तरीके से जाके, तो 9 11 तो आंसर तो 55 ही आएगा। अब इसके बाद देखो हमको तो फर्स्ट नंबर चाहिए था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा देखो, 3 अपॉन में 5 इंटू 11 और ये हो जाएगा 55 था यहाँ पे, तो 5 1 और 11 5 जा, सो 11 3 जा कितना होगा, 33 जो है होगा। अब ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 33 होगा। पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे आपको आंसर 27 दिख रहा होगा, लेकिन 27 जो है गलत आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देख लो किसी भी मेथड से, आंसर जो है 33 ही जो है आएगा। तो 33 इज अ राइट आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 45 लेबर इन 24 डेज। एक टास्क है जिसको 45 लेबर क्या करते हैं, मिलकर 24 डेज में काम खत्म कर देते हैं, और वो डेली कितना काम करते हैं, 6 घंटे डेली काम करते हैं। हाउ मेनी लेबर्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज। तो ये बोल रहा है कि कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी जिससे वो काम जो है कितने दिनों में खत्म हो जाए, 45 दिनों में खत्म, 15 डेज में खत्म हो जाए, और वो कितने टाइम के लिए वर्क करें, डेली 8 घंटे काम करें। देखो यहाँ पर दो केसेस में बात हुई है, पहला केस हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट फॉर केस नंबर 1, फॉर दो केसेस की बात हुई ना, सो फॉर केस नंबर 1 यहाँ पर देखो कितने लेबर हैं, टोटल 45 लेबर कंप्लीट्स द वर्क। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ लेबर कितने हैं, तो टोटल, या आप इसको ऐसे लिख लो, टोटल मत लिखो, नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर इज इक्वल टू कितना है, 45, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, तो देखो काम को कितना दिन में खत्म कर देते हैं, 24 दिनों में, और डेली कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे। तो 24 दिन और 6 घंटे, तो कितना आएगा, 144 आवर्स, मतलब वो 45 लेबर जो है 144 घंटे में क्या करते हैं, उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2, फॉर केस 2, सेकंड केस की बात करते हैं। तो देखो सेकंड केस में क्या है, हमको नंबर ऑफ लेबर्स पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग यहां पर अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेबर इज एक्स, लेट से जो नंबर ऑफ लेबर्स है वो कितने हैं, एक्स हैं, एंड सिमिलर टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेते हैं, तो देखो 15 दिन और 8 घंटे, सो एक दिन में 8 घंटे और ऐसे कितने दिन, 15 दिन, तो ये कितना हो जाएगा, 120 आवर्स। अब ये दो केसेस हमने लिख लिए, अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे कौन सा, प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज करके अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो वी कैन राइट, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, इधर लेबर्स रहेंगे और प्रोपोर्शन में क्या रहेंगे, टोटल टाइम ऑफ वर्क, टोटल टाइम ऑफ वर्क। अब देखो पहले केस में लेबर कितने थे, 45 थे, और दूसरे केस में लेबर कितने हैं, x हैं,
और यहां प्रपोर्शन डालोगे और यहां उल्टा लिखोगे। उल्टा कैसे, देखो यहां पर 45 पहले है तो 45 लेबर मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 144 में, तो 144 को बाद में लिखोगे। फिर इसके बाद यहां देखो एक्स जो है सेकेंड नंबर के प्लेस पर है, एक्स कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 120 डेज में, तो ये पहले आएगा। उल्टा लिखना, इसमें जो पहला है उसका टाइम सेकेंड में आएगा और इसका जो सेकेंड है उसका पहले जो है फर्स्ट में जो है आएगा। अब आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सिंपली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन में 144। अब जब यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 45 इंटू 144 अपॉन में 120, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर 120 इधर जाकर इनको डिवाइड करेगा, तो देखो 10 ट्वेल्व और ये कितना हो जाएगा, 12 ट्वेल्व। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5 टू और यहाँ हो जाएगा 6 टू, फिर यहाँ पर 5 वन 5 नाइन, तो 9 6 कितना होता है, आंसर है 54। तो 54 वर्कर्स लगेंगे उस काम को क्या करवाने में, कंप्लीट करवाने में जो है लगेंगे। तो बस आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि इसकी पहली वैल्यू जो होगी इसके करेस्पॉन्डिंग यहां सेकंड वैल्यू में सेकंड प्लेस पर आएगा, और यहां पर जो सेकंड प्लेस है उसके करेस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट प्लेस पर जो है आएगा। लेट से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ टास्क कंप्लीटेड बाय 25%, एक जो टास्क है उसको 25 लोग मिलकर क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कितने दिनों में, 9 डेज में, और कितने घंटे डेली काम करते हैं, 6 घंटे। तो यहां पर देखो मैं अब यहां पर डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। सो केस नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ लेबर जो है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है, पर्सन कितने हैं, 25 है, और टोटल मिलकर कितने घंटे काम करते हैं, तो 9 दिन और 6 घंटे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 54 आवर। तो ये हो गया पहला केस, 25 लोग और टोटल 54 आवर्स। सेकेंड केस में देखो हाउ मेनी डेज, अब यहां पर सेकेंड केस में आपको डेज पूछा है, तो आपको कितना डेज से पता है क्या, नहीं पता, तो मान लेना कि x दिनों में वो काम कंप्लीट होता है, और डेली कितने घंटे काम करते हैं, 9, तो एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं और टोटल दिन कितने हैं, x, तो टोटल काम कितना होगा, 9x के बराबर होगा, और पर्सन कितने हैं, 15, तो सेकेंड केस में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 15 होंगे, और जो टोटल जो टाइम होगा वो 9 इंटू एक्स होगा। अब वापिस से रेशियो लिखो, पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम, तो पहले पर्सन, पहले केस में पर्सन कितना है, 25, सेकेंड केस में पर्सन कितना है, 15, फिर यहां पर डालोगे प्रपोर्शन, तो 25 के करेस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको पीछे लिखोगे आप, यहां पर 54 इस तरीके से मैंने वहां पर बताया था, और 515 के प्लेस में जो टाइम है उसको आप लिखोगे यहां सामने, तो यह आ जाएगा 9x। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 25 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 9x अपॉन में 54 जो है आ जाएगा। सो 9 1 जा 9 6 जा, अब एक काम करते हैं यहां पर 6 को यहां भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 15 और इधर रहेगा x, तो 5 3 5 जा और 5 5 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना बचा, 5 into 2 मतलब 10, तो 10 दिनों में वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझा दिया है, अगर आप डिटेल में लिखना चाहोगे तो वापस आप सेम काम करना कि फर्स्ट केस में लिखना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 25 एंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो एक दिन में 6 घंटे और ऐसे 9 दिन, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 54 घंटे। फिर सेकेंड केस में कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछा है, तो कितने दिन हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि वो एक दिनों में वो काम को खत्म करेंगे, तो एक दिन में अगर 9 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आंसर है 9x, और पर्सन कितने हैं, 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक साइड जो रेशियो लिखेंगे उसमें हम लोग पर्सन को रखेंगे, और दूसरे साइड जो रेशियो रखेंगे उसमें टाइम को रखेंगे। लेकिन पर्सन और टाइम को जब रखेंगे तो याद रखना है कि 25 के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो पीछे आएगी, और यहां पर 15 के पीछे जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो सामने आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करने हैं, सॉल्व जो है करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके का है, आप इसको क्या करना, खुद से जो है सॉल्व करना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फिर आप खुद से ही क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व जो है कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 11 को रीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ टास्क इज कंप्लीटेड बाई 30%, देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 30, और कितने घंटे काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं 6 दिन के लिए, तो टोटल टाइम कितना होगा, 15 6 का कितना होता है, 90, यह हो जाएगा 90 आवर। हाउ मेनी आवर ऑफ वर्क विल बी नीडेड एवरी डे इफ 20%, सेकेंड केस में पर्सन कितने हैं, 20, तो यहां पर भी रेशियो किसका बनेगा, पर्सन और टाइम का। तो पहले केस में पर्सन कितने हैं, 30,
दूसरे केस में पर्सन कितने हैं 20, फिर यहां पर इक्वल साइन लगाओगे। अच्छा, पहले केस में जो हमारे पास पर्सन है वो कितने घंटे काम करते हैं, 90, तो ये पहली वाली वैल्यू की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू पीछे आएगी और फिर यहां पर लिखेंगे 20 के करिस्पॉन्डिंग। तो 20 लोग हैं और कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन, लेकिन हमको बताना है कि एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो हमको एक दिन में नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि वो एक दिन में एक्स आवर काम को करेंगे, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 15x, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 x। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30/20 = 15x/90, ये जीरो कैंसिल, 15 1 15 6, फिर 2 1 2 3 9, जो भी आएगा आपका वो आंसर है। तो इतने घंटे उनको डेली काम जो है करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों में एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, लेकिन किसी में हमको क्या दिया था, लेबर निकालना था, किसी में हमको डे निकालना था और किसी में हमको आवर निकालना था। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि इतने आदमी मिलकर इतने काम को इतने घंटे में खत्म करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा रेशियो निकालोगे, किसका, पर्सन और टोटल टाइम का। और जब आप टोटल टाइम निकालोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, जो भी डेज रहेगा और जो भी आवर रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखोगे। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अ कार लीव्स सरायपाली, ट्रेवल 75 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस रायपुर इन 4 आवर। एक कार है जो कि सरायपाली से निकलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कौन से दो क्वांटिटी की बात हुई है, एक तो स्पीड की बात हुई है और दूसरा टाइम की बात हुई है। मतलब अभी जब आप प्रोपोर्शन यूज करोगे तो उसमें किसका किसका प्रोपोर्शन यूज करोगे, स्पीड और टाइम का जो है यूज करोगे। द नेक्स्ट टाइम वेयर वॉज ट्रैफिक, द नेक्स्ट टाइम देयर वॉज ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द रोड ड्यू टू विच द स्पीड इज डिक्रीज बाई 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले केस में स्पीड था 75 किलोमीटर पर आवर का, सेकेंड केस में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था रोड में जिसके कारण से उसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर कम हो गई। तो पहले केस में स्पीड 75 है, दूसरे केस में 15 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द कार टू टेक द रायपुर। तो देखो कितने घंटे उसको लगेंगे, मान लो एक्स घंटे लगेंगे। तो जब कार 75 की स्पीड से जाता था तो उसको कितने घंटे लगते थे, 4 घंटे, वो पीछे रहेगा। जब कार 60 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे, x घंटे, ये यहाँ पर रहेगा और इन दोनों का प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 75/60 = x/4। तो ये हो जाएगा देखो 5 जा और ये हो जाएगा 4 जा, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना है, 5 घंटे। तो 5 घंटे में क्या होगा, वो जो काम है वो कंप्लीट जो है हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से पेज में जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है उसमें क्या गिवन है हमको, उसको लिखते हैं सबसे पहले। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द 10 बल्ब्स आर लाइटेड 4 आवर एवरी डे फॉर 60 डेज। सिमिलर उसी टाइप का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो 10 बल्ब हैं जो कि कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे डेली चलते हैं और कितने दिन चलते हैं, 60 डेज चलते हैं। देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 80 रुपीज और बल्ब कितना है, 80 रुपीज का बिजली बिल आता है। हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 3 आवर्स एवरी डे फॉर 16 डेज सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 10। तो यहां पर देखो यहां पर भी सेम दो केसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में देखो बल्ब कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बल्ब है 10 और कितने टाइम तक के लिए जलते हैं, तो 10 बल्ब हैं और 4 घंटे 60 डेज चलते हैं। तो देखो टाइम इन विच लाइट इज ऑन, तो लाइट कितने के लिए ऑन होता है, तो डेली 4 घंटे ऑन होता है और डेली 4 घंटे जब ऑन होता है और कितने दिन के लिए होता है, 60 डेज के लिए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डेज के लिए जब करेंगे तो ये हो जाएगा 240 आवर्स। 240 आवर्स एक बल्ब जो है जलता है, लेकिन ऐसे टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 10 हैं। सो 10 बल्ब्स लाइटेड ऑन, तो जो 10 बल्ब हैं वो कितने दिन, मतलब कितने घंटे लाइट अप होंगे, तो एक बल्ब जो है 240 घंटे जलता है, तो 10 बल्ब कितने घंटे जलेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2400 आवर। तो इतने घंटे जो है बल्ब क्या होंगे, जलेंगे केस वन में। एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹80।
यहां पर हमने रेशियो निकाला। अब देखते हैं सेकेंड केस। केस नंबर सेकेंड में हमको टोटल नंबर ऑफ बल्ब नहीं पता है, तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बल्ब इज एक्स। जो नंबर ऑफ बल्ब है वो कितने हैं, एक्स हैं। अब उसके बाद देखो अगला, टाइम इन विच वन बल्ब इज लाइटेड ऑन। यहां पर भी लिख सकते हो टाइम इन विच, यहां पर अगर मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो वन बल्ब इज ऑन। तो एक बल्ब कितने घंटे कितने दिन चलता है, देखो 3 घंटे और 16 दिन चलता है, 3 घंटे और 16 दिन। तो यहां पर 3 घंटे और 16 दिन मतलब एक बल्ब कितने घंटे जलेगा, आंसर है 48 घंटे जो है जलेगा। तो ऐसे ये तो एक बल्ब की बात हो गई, और टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, एक्स हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सो एक्स बल्ब लाइटेड ऑन कितने होंगे, एक बल्ब जलता है 48 घंटे और ऐसे कितने बल्ब हैं, एक्स बल्ब। तो टोटल कितने घंटे जलेंगे, 48 एक्स घंटे जो है जलेंगे। अब अगर ये 48 एक्स घंटे जलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, देखो तो यहां पर हम लोग आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल भी कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आना चाहिए, 40 रुपए आना चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज 40। अब बाई यूजिंग द प्रोपोर्शन कंसेप्ट, बाई प्रोपोर्शन कंसेप्ट, तो इधर हमारे पास क्या रहेगा, टाइम, और यहां पर प्रोपोर्शन में रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पहले केस में कितने घंटे जल रहे थे, आंसर है 2400 घंटे। दूसरे केस में कितने घंटे जल रहे हैं, 48 घंटे, और यहां पर इक्वल लगाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शन को इक्वल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब 2400 घंटे जलते हैं तो उस समय जो हमारे पास बिल आता है वो कितने का आता है, 80, और जब 48 जलेंगे तब कितना बिजली बिल आना चाहिए, 40। तो पहले वाले का लास्ट और सेकेंड वाले का फर्स्ट, इस तरीके से रेशियो में आपको अरेंज करना है। अगर 80 को पहले रख दोगे, 40 को बाद में रख दोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो याद रखना इधर पहली वैल्यू जो रखोगे उसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो लास्ट में, और सेकेंड वाले की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट में। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 2400 अपॉन में 48x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 80। तो ये 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, देखो 2400 अपॉन में 48x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 124 जा और ये हो जाएगा 2 जा। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 100। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या, देखो यहाँ पर था हमारे पास 24 और यहाँ पर हमारे पास था कितना, 48x था और इधर था 40 अपॉन में 80। तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा। फिर यहाँ कितना बचा, देखो 2400 अपॉन में 48x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। फिर ये देखो 21 जा और 24 2 जा 48 होता है, तो 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 100 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 है, तो 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये x इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 100 जो है आएगी। तो हमको कितने बल्ब जलाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, हमको जो है 100 बल्ब जलाने पड़ेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये नहीं है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अच्छा 25 बल्ब दिया है यहाँ पर, एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 25 बल्ब, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 बल्ब जो है इसका आंसर है। पीछे आपको दिया है 25, तो वो आंसर गलत है, कितने बल्ब आएंगे, 100 बल्ब जो है आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में जो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।